सब्सक्राइब कीजिए एस्केपी टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज पांडे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एस्केपी टेक्निकल में। और आज अपने वीडियो के लिए आया हूँ एक खास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और एक टेक्निकल वीडियो। दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ जो C9 मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग। तो चलिए टाइम ना गवाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो वीडियो के नीचे बने हुए लाइक बटन को जोर से दबा दीजिए ताकि वीडियो बन जाए और ये शानदार। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, नहीं तो ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस टाइम मेरे हाथ में है जो है Mezzo 9C का बॉक्स, जो कि अभी फ्लिपकार्ट से आया है ये, और मैं चल रहा हूँ इसकी करने के लिए अनबॉक्सिंग। पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो किसी भी काम को करने के लिए उसकी सील तोड़नी ही पड़ेगी ना, तो चलिए मैं इसकी फ़िलहाल सील तोड़ देता हूँ। और ये मैंने सील तोड़ दी है इसकी, और अभी इसको मैं जो है तो अभी इसको खोल देता हूँ। दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये इसका इनवॉइस है जो कि वारंटी है, ये आपको भी मिला करेगा। तो इसको मैं इन दोनों को मैं साइड में रख देता हूँ, ठीक है। और साइड में रखने के बाद फ़िलहाल इसके अंदर एक और सील है, इसको भी मैं तोड़ ही देता हूँ क्योंकि बिना तोड़े अंदर तक जाएगा नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये सब जो है करने के बाद अभी आ गया है ये फ़ोन, ये C9 Pro करके इसका बॉक्स है, क्लियरली आप देख सकते हैं। और इसके पीछे जो है इसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो दोस्तों चलिए इसकी पहले तो इसमें प्लास्टिक की पन्नी लगी हुई है, इसको हम लोग जो है निकाल देते हैं। प्लास्टिक की पन्नी से एक कवर किया रहता है, इसमें एक स्टिकर है जो फ़िलहाल हमारे किसी काम का नहीं, इसको मैं निकाल के बॉक्स के ऊपर लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब जो है आते हैं इसको खोलते हैं। फ़िलहाल दोस्तों ऊपर भी जो है कवर लगा है इसके दोनों कोने पर, यहाँ पर भी, हाँ एक ही कोने पर है, सॉरी दोनों कोने पे है। तो इसको जो है मैं खोल ही देता हूँ। पहली बार है ना इसलिए इतनी आसानी से सील थोड़ी टूटेगी, थोड़ा मेहनत करना होगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये है वो फ़ोन। चलिए इसको कवर से बाहर निकालते हैं। और ये दोस्तों इसके ऊपर एक कवर लगी है, इस कवर को हम लोग निकाल देते हैं। और कुछ इस तरह का ये इंटरफेस है इस फ़ोन का, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर HD दिख रहा है हमें। और इसका पीछे का जो है इंटरफेस कुछ इस तरह का है, इसमें सिंगल कैमरास दिया गया है, इसके पीछे में एक पन्नी लगी हुई है, चाहे तो निकाल सकते हैं चाहे तो नहीं। तो इसको फ़िलहाल मैं और रख देता हूँ दोस्तों, और साथ में देखते हैं इसके साथ में और क्या क्या है। ये कुछ कागजात हैं, इसको साइड में रखते हैं। इसमें यूजिंग का तरीका बताया गया है, और इसके अंदर दोस्तों बैटरी है, और ये डेटा केबल है, और Mezzo का चार्जर है। तो फ्रेंड्स बताते हुए बहुत ही खेद है कि इसके साथ भी हमें ईयरफोन नहीं मिला है। तो खैर कोई बात नहीं दोस्तों, आजकल तो कोई भी फ़ोन जो है ईयरफोन नहीं दे रहे हैं, तो इसका हमें गम जो है नहीं है। तो चलते हैं हम जो है पहले चेक कर लेते हैं कि इसका मतलब चल भी रहा है कि नहीं। दोस्तों ये फ़ोन, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जो है इस फ़ोन में बैटरी इंटरनली नहीं है, बाहर से लगाई गई है, ठीक है। तो ये इसका स्टिकर है और ये इसकी बैटरी है। वैसे अब आप इसका चाहे बैड लक कहें या जो भी कहें, इसकी बैटरी बाहर से ही लगती है। फ़िलहाल ये कोई बुरी बात नहीं है,